दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी के लिए, तो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं GURMGOV40 40% की छूट के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश में सवर्ण आरक्षण के संबंध में बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। जो आय प्रमाण पत्र के लिए आप लोग जा रहे थे और लगातार आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा था अधिकारियों के द्वारा कि अभी जो है प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, तो आदेश आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ क्या पूरा आदेश है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से www.guruchiofficial.com से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या पूरा आदेश निकल के सामने आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है दिनांक 6/5/2019 को। समस्त कलेक्टर के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में ये जो है जारी हुआ है। भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर द्वारा पद विहित निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और नंबर 2 है तहसीलदार, ये आपको प्रमाण पत्र बना के देंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अतः केंद्रीय सेवाओं शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इसका लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र समुचित जांच एवं संतुष्टि के पश्चात जारी किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन परिशिष्ट आ पर एवं निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट बा पर संलग्न है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ये जो है सभी जो है जैसे कि लोक सेवा आयोग PEB और सभी जो है को प्रतिलिपि यहाँ पर भेजी गई है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो इनकम एंड एसेट की अगर हम बात करें तो ये वही है, इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। जो आपने देखा होगा कि जो हमने संविधान संशोधन की जब बात की थी तो जिसमें ये देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट आ रहा है, तो ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट रहेगा। बाकी सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग प्रारूप भी हैं तो आप बनवा सकते हैं, बस वो साइन और सिग्नेचर और सील के बाद वैलिड हो जाएगा। तो बात यह है कुल मिला के कि जो कुछ यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन जो विधेयक है या अगर हम बात करें जो अधिनियम है उसमें जो लिखा हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ 8 लाख की जो यहाँ पर इनकम है प्लस यहाँ पर कुछ जो है फ्लैट वगैरह का है जो है यहाँ पर बात करें तो रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1100 स्क्वायर्स एंड अबव द नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी, तो यहाँ पर जो जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर आप जो है बनवाने के लिए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको चुनाव तक का वेट करना चाहिए, चुनाव के बाद आप इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए जा सकते हैं। अगर आप अभी जाना चाहें, अगर आप नियरेस्ट हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर यह प्रमाण पत्र बनना लगभग शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।